रायगढ़ में बारिश की वजह से केवल स्थानीय लोग ही नहीं फंसे हैं, बल्कि दूर दराज से यात्रा करने वाले लोग भी फंसे हैं, और उनमें खासकर ट्रक ड्राइवर जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं वो फंसे हैं पिछले 2 से 3 दिनों से। हमारे साथ इस वक्त कुछ ऐसे ही ट्रक ड्राइवर हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चेन्नई। चेन्नई, हाँ। तो कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ से 3 दिन हुआ, इधर 3 दिन खड़ा इधर। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? सर्वाइव क्या, जो होटल में खाता है अभी होटल का भी पूरा खाना खत्म हुआ है। हाँ। अभी पैसा भी जेब में नहीं है, मोबाइल को रेंज भी नहीं, पैसा मंगा के लेने गए तो कुछ पानी नहीं, लाइट नहीं, संपर्क नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाए, नहीं 3 दिन से आज संपर्क नहीं हो रहा। और कौन है आपके साथ? आप कहाँ जा रहे हैं? आगे आ जाइए। मैं गोवा जा रहा है। आप गोवा जा रहे हैं? आप बताइए कैसे 3 दिन से आप लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं? 3 दिन में पूरा बारिश हो रहा है इधर, इधर आगे रास्ता भी बंद है, 10 किलोमीटर लाइन लगा है, सब ड्राइवर लोग गाड़ी में ही है, जिसके पास बर्तन है वो गाड़ी में खाता है, हम लोग होटल में खा रहे थे। अभी इधर गांव में बारिश की वजह से लाइट नहीं, पानी नहीं, होटल का पूरा मटेरियल भी खत्म हो गया है, अभी ऐसे ही बारिश में पड़े हैं हम। आप बताइए आपकी भी लोरी है? हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? गोवा। 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 कितने दिन से आप फंसे हुए हैं यहाँ पर? 3 दिन से आप भी फंसे हुए हैं। और खाना पीना कैसे? गाड़ी में ही खाने का। गाड़ी में ही खाना, होटल वोटल सब बंद है, चाय नहीं, कुछ नहीं, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं, कुछ परेशानी हो रही है। परेशानी बिल्कुल। तो साफ तौर पर ये वो लोग हैं जो ट्रक चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से यहाँ पर ट्रक के भीतर ही रहने को मजबूर हैं। पहले 2 दिन तक आसपास जो कुछ भी खाने को मिल रहा था उससे अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब वो भी बंद हो चुका है। कैमरा पर्सन सुभाषीष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।